नलिन विलोचन शर्मा का जीवन परिचय। नलिन जी का जन्म 18 फरवरी सन 1916 ईस्वी को संध्या 6 बजे पटना सिटी के बदरघाट के पास बिहार में हुआ था। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनकी मृत्यु मात्र लगभग 46 वर्ष की आयु में 12 सितंबर 1961 ईस्वी को अपराह्न 1:30 बजे हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक, हिंदी लेखक एवं आलोचक थे। वे हिंदी में नकेनवाद आंदोलन के 3 पुरस्कर्ताओं में से एक थे। नलिन जी संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी के निष्णात विद्वान थे, साथ ही फ्रेंच एवं जर्मन भाषा का भी उन्होंने यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया था। चित्रकला में भी उनकी गहरी रुचि थी। नलिन जी ने हिंदी आलोचना का नया मापदंड निर्मित किया। अपने प्रखर आलोचनात्मक लेखों, साहित्यिक टिप्पणियों और पुस्तक समीक्षाओं के जरिए वे हिंदी संसार को नए ढंग से आंदोलित करने में सफल हुए। नए पुराने सभी लेखकों के बीच के आलोचक के रूप में वे समान रूप से प्रतिष्ठित थे। पुराने साहित्य के बारे में उनकी पसंद का जितना महत्व था, उतना ही नए साहित्य के बारे में भी। इनकी रचनाएं 1 नकेन के प्रपद्य, 2 अली अकबर खां, 3 एक नापसंद जगह, 4 धारा लेखन, 5 पिकासो की चित्रकला, 6 सिद्धि, 7 अली विलासी संलाप आदि इनकी रचनाएं हैं।